स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में क्लास नाइन्थ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, जिस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्टली आपको कुछ फॉर्मूला दिए गए हैं, इन सभी फॉर्मूला को आप कंठाग्र कर लेंगे, अर्थात अच्छी तरह से याद कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला जितना अच्छा से आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूला याद हो जाते हैं, बात सही भी है, लेकिन आप याद अच्छे तरह से कर लोगे तो फिर क्वेश्चन बनाने में आपको मजा आएगा, बार बार फॉर्मूला देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहां जैसा कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला दिया गया है, जो कि समकोण त्रिभुज जैसा कि हम जानते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/2 × आधार गुणे ऊंचाई फॉर्मूला का यूज करते हैं। फिर दूसरा कुछ एक फॉर्मूला है जो समबाहु त्रिभुज के का परिमाप है, जिसमें जिसका फॉर्मूला 4 × a होता है, जहां a भुजा यानी समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं को में प्रत्येक की लंबाई को दर्शाता है। तीसरा समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब का फॉर्मूला है, जैसा कि देख रहे हैं कि √3/2 × भुजा। ये सभी आप याद करेंगे, क्योंकि आपके आपके पास जब कॉल जाएंगे तो ये इन सभी प्रश्नों को आपसे पूछे जाएंगे, सो आप बिल्कुल सभी चीजों को याद कर लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि आधार और शीर्ष लंब दिया गया है। तो जैसा कि इसमें 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन सी का हल किया गया है। सी में दिया गया है आधार बराबर 7 और शीर्ष लंब बराबर 5, जो कि 8 लिखे गए हैं गलती से, इसको 5 आप लोग कर लीजिएगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने लिखा 1/2 × आधार गुने शीर्ष लंब या आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार की जगह पर हमने 7 पुट किया, क्योंकि आधार का वैल्यू 7 दिया है, ऊंचाई का वैल्यू 5 दिया है, हमने यहाँ इसको डाला तो 7 × 5 = 35 आया, और बटा में 2, ये कटने वाला नहीं है, इसलिए बाई में 2 रह जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो गया। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, जिसमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है अगर उसकी भुजा दिए गए हैं। तो यहाँ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें ए क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर, बी क्वेश्चन 2.5 सेंटीमीटर, सी 4/5 सेंटीमीटर, डी क्वेश्चन 2/5 और ई क्वेश्चन √3 सेंटीमीटर। भुजा का मान दिया गया है परिमाप का, जैसा कि वैल्यू फॉर्मूला हम लोग को पता है कि 4 × भुजा होता है, तो 4 × भुजा का हमने वैल्यू पुट कर दिया, बी नंबर क्वेश्चन में 2.5 दिया है, डेसिमल को हमने हटाया तो बाई में 10 होगा, तो 5 से जब इसको हमने डिवाइड किया था, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, तो यानी 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की परिमाप हो गए। परिमाप का तात्पर्य क्या होता है? तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंबाई का योगफल। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें बी नंबर क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, ए का मान दिया गया होने का मतलब भुजा की लंबाई दी गई है, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि शीर्ष लंब ज्ञात करें। तो जैसा कि शीर्ष लंब का फॉर्मूला हम लोगों ने याद कर रखा पहले से है कि √3/2 × भुजा, तो √3/2 × भुजा की जगह पर √3/2 सेंटीमीटर, अर्थात √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 सेंटीमीटर। ये हमारे √3/2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की का शीर्ष लंब हुआ। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते, तो हम लोग टी ब्रेक के बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें भुजा दिया गया है, तो ए का मान यहां 7 सेंटीमीटर, बी का मान मैंने सॉरी बी क्वेश्चन में दिया गया, यानी ये सभी के सभी समबाहु त्रिभुज के भुजा है। क्षेत्रफल का जैसा कि फॉर्मूला हमें पता है कि √3/4 × भुजा² होता है। भुजा का लंबाई जैसा कि 3√2 सेंटीमीटर दिया गया, हमने यहां भुजा की जगह पर वैल्यू पुट किया, इसका होल स्क्वायर किया था, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर, तो जैसा कि √2 का स्क्वायर 2 होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, अर्थात यहां हमारे पास जो वैल्यू बचे 9√3/2 सेंटीमीटर हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान हो गया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना है यदि परिमाप दिया गया है, अर्थात यहां क्वेश्चन में परिमाप दिया गया है और हमें भुजा ज्ञात करना है। ओके, तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि परिमाप यहाँ दिया गया है, परिमाप 6 सेंटीमीटर,
एक जो समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 8 सेंटीमीटर, तीसरा एक और समबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है, सो ऑन। परिमाप का मान हमने लिख लिया, और या परिमाप का जैसा कि फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि 4a होता है, 4a बराबर 8 सेंटीमीटर। a जब हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो 4 बाई में आ जाएगा, 4 से 8 टू टाइम्स में कट जाएगा, तो हमारे पास ए का आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर, अतः भुजा का मान 2 सेंटीमीटर। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे, और वीडियो के माध्यम से जितने भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं एक अच्छे से कॉपी बना लेंगे, जिसमें इस सभी प्रश्न को आप बना लेंगे। जब मैं जो सॉल्व किया हूँ उस क्वेश्चन को तो बना लेना ही है, ये नहीं समझना कि सर ने सॉल्व कर रखा है, उस क्वेश्चन को नहीं बनाना है आपको, रेगुलर पूरे क्वेश्चन को बनाना है। आप क्वेश्चन को हल मैंने किया है इसलिए कि आपको सॉल्व करने में किसी प्रकार का कठिनाई नहीं हो, और इस सब सभी बातों को ध्यान रखेंगे कि एरो वगैरह या जिस प्रकार से हमने लिखने का कोशिश किया है उस प्रकार से ही आप लिखोगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस प्रकार से लिखोगे तो आपको अच्छे अंक आएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद। हेलो मेरे क्लास 9th के विद्यार्थी, आप कैसे हैं? तो आज हम लोग मैथ्स के सेकेंड वीडियो को देखने जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपके सामने हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमने कुछ फॉर्मूला को लिखा है, जो फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे। फॉर्मूला क्योंकि याद रखोगे तभी आपके क्वेश्चन आसानी से बन पाएंगे। ओके, तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, क्योंकि कोचिंग के तरफ से जब आपको कॉल जाएगा तो इन फॉर्मूला को आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला नंबर 1 दिया है, सम द्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, तो 1/2 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b², जहां आप देख पा रहे हैं कि ए सम द्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि वैसी वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और तीसरे भुजा की लंबाई असमान हो, अर्थात ये दोनों लंबाई से अलग होंगे, भिन्न होंगे। तो ए दो बराबर भुजाएं हैं उसमें प्रत्येक की लंबाई ए होगा, बी जो असमान भुजा की लंबाई यानी अर्थात ये दोनों भुजा की लंबाई से अलग है उसकी लंबाई उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सम द्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला हुआ 1/2 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b². उस प्रकार इसी प्रकार जब क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं तो हम लोग को दिख रहा है कि 1/4 इंटू बी इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b² हम लोग को देखने को मिलता है। साथ ही साथ ए जहां हमने बताया है कि बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई, बी असमान भुजा की लंबाई, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान लंबाई की हो, वैसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होंगे। ठीक है, एस क्या होता है, तो अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप का मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग का आधा, तो ए बी सी जहां त्रिभुज के भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, जिसमें सम द्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चन लिखा है जिसमें भुजा दिया गया है, ए बी का मतलब हमने समझा दिया है, सम द्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जैसा कि दिया गया है फॉर्मूला उसको हमने लिखा, उसमें वैल्यू हमने पुट किया, या 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा आपको, 169 को 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस तो माइनस, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब इसको जब रूट इसका निकालोगे तो 100 का रूट 10, 2 से जब 10 को डिवाइड करोगे तो 5 सेंटीमीटर। ये आपके दिए गए सम द्विबाहु त्रिभुज के ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि ए और बी का मान ज्ञात हो। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो फिर हमने फॉर्मूला लिखा और उसमें हमने वैल्यू को पुट किया, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहां पर √84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया। जैसा कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू बी इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b², 1/4, बी का वैल्यू हमने यहां पर पुट किया जो कि बी का वैल्यू दिया है 4, तो हमने 4 सेंटीमीटर डाला, 4 इंटू a² ए का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर हमने हम करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, माइनस तो माइनस, बी के जगह पर हम 4 सेंटीमीटर डालेंगे तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 का रूट संभव नहीं है तो 84 को हम रूट में ही रहने देंगे,
और सेंटीमीटर स्क्वायर बाहर आएगा, तो सेंटीमीटर और पहले से भी एक सेंटीमीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज के का क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, जिसमें अगले क्वेश्चन में दिए गए विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको तीन साइड दिए गए हैं ए बी सी, जो कि विषमबाहु त्रिभुज के तीनों साइड को रिप्रेजेंट करता है। परिमाप का फॉर्मूला होता है, यहाँ आप बाई में 2 नहीं होंगे क्योंकि ये अर्ध परिमाप को रिप्रेजेंट करता है, यानी परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योगफल। तो जब हम 2, 10 और 8 को ऐड करेंगे तो 20 सेंटीमीटर होगा, जो कि परिमाप है। ओके, एबीसी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, उस क्वेश्चन में अगर हम एबीसी के वैल्यू को पुट कर देंगे फॉर्मूला में तो हमारे पास परिमाप ज्ञात हो जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसा कि 5 क्वेश्चन हम एबीसीडीई देख पा रहे हैं और इसमें हमने सी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए, हमारे सामने सी नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू दिया है। एस एस जो अब अर्ध परिमाप होता है उसको हमने उसका फॉर्मूला लिखा, तो 17/2 सेंटीमीटर आया। एस के जगह पर हमने 17/2 सेंटीमीटर लिखा। एस माइनस यानी 17/2 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर। एस माइनस बी यानी 17/2 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर। एस माइनस यानी 17/2 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो इसको हमने सॉल्यूशन किया तो कुछ ये बात आए, और इसके बाद यहां बात आता है कि 9 तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो हमने लिख लिया 3। 2 × 2 = 4, रूट से जब बाहर आएगा तो 2, और यहां का 2 × 4 जब रूट से बाहर आएगा, या तो सिंपल हम ये सूत्र कहें तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 8, 2 × 16 = 16, 16 रूट से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 3/4 रूट के बाहर आ गया। जो भी रिमेनिंग वैल्यू बचा उसको हमने मल्टीप्लाई किया और रूट के अंदर लिख लिया, उतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। तो बस आज फिलहाल इतना ही, जितने भी प्रश्न आपको पीडीएफ के माध्यम से दिए जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरह से कंप्लीट कर लेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में खूब प्रैक्टिस करते रहिए। जब आपका लॉकडाउन जैसे खुलेगा, जब आपके कोचिंग खुलेंगे, तो फिर हम कंटिन्यूअस एक स्पीड को मेंटेन करते हुए हम लोग सारे सिलेबस को कवर करेंगे। उस समय संडे हो या अदरवाइज किसी प्रकार का फेस्टिवल हो, उन सभी को हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि इतना दिन का जो छुट्टी हम लोगों ने ऑलरेडी झेल रखा है, अभी समझ में आता है कि बहुत लंबा छुट्टी भी बोरिंग होता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए काम करना है, क्योंकि जैसे ही खुलेंगे आपके कोचिंग तो आपके क्लासेस रेगुलर वे में चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरह से बनाते होंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो बना रहे हैं उसको चेक भी किए जाएंगे जब आपके क्लासेस खुलेंगे, और व्हाट्सएप पर आपको इसको बना लेने के बाद व्हाट्सएप पर आप भेज भी देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।